हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पाठ पढ़ रहे थे एवरेस्ट की चुनौती, और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि अब जो अंतिम शिविर था वहाँ से लेखक ये कहता है कि अब जो हम चढ़ाई चढ़ रहे थे उस अब जो हम चढ़ाई चढ़ेंगे अब हमें रात दिन ऑक्सीजन जो है वो साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अब हमें रात दिन ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि चढ़ाई और बढ़ती जा रही थी। चलिए अब उससे आगे हम देखें। दूसरे दिन 7:30 बजे सुबह हम आखिरी शिविर के लिए चले। ठीक है, अब मेरे साथ रस्से में कौन था? फूदौरजी। क्यों? क्योंकि वीपी सिंह बीमार हो गए थे, अब फूदौरजी साथ में मिल गए। हमारे पीछे कौन था? रावत और बहुगुणा और 7 शेरपा थे। ठीक है, शेरपा बताया ना, नेपाली मजदूर जो सामान ढोते हैं, बोझा ढोते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते थे हवाएं तेज होती जाती थी। 11:30 बजे हम इस पहाड़ी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां ढाल ज़रा कम था। 8,512 मीटर की ऊंचाई पर यह हमारा अंतिम शिविर था। इस शिविर से आगे 450 मीटर लंबी एक पहाड़ी थी जहाँ से चलना शुरू हुए। अब वहाँ से एक 450 मीटर लंबी पहाड़ी थी, और ये पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है, और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। ठीक है, संकरी क्या होता है? कंजस्टेड होता है। देखिए, या मतलब भी दिया, कम चौड़ाई की। ठीक है, कम चौड़ाई वाली, पतली, संकरी, कंजस्टेड। ठीक है, कम चौड़ाई वाली। तो ये पहाड़ी बहुत संकरी और तीखी है, और इसके दोनों ओर गहरे ढाल हैं। गहरे ढाल आप देखते हैं, नीचे इतनी गहराई, वहाँ थोड़ा भी पैर खिसका तो कहाँ जाकर गिरेंगे कुछ नहीं पता। इसके दाहिनी तरफ बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। ठीक है, इसके दाहिनी तरफ बर्फ़ का एक बड़ा सा टुकड़ा निकला हुआ है। इसमें हमें इस बर्फ़ से सतर्क रहना होता था, क्योंकि इस पर पैर पड़ते ही यह टूटकर गिर सकती थी। तो देखिए, राइट हैंड साइड की तरफ क्या था? बर्फ़ के बड़ा सा टुकड़ा। अब इसके ऊपर इतने अलर्ट होकर पैर रखना होता था, क्योंकि अगर पैर पड़ते ये टूटकर नीचे भी जा सकती थी। अब चढ़ें कैसे? कितनी मुश्किल है, और डर भी है, और दोनों तरफ क्या है? गहरे ढाल भी है ना, तो खतरा तो है। देखिए किस तरह से चढ़ाई चढ़ रहे हैं ये सारे, है ना? कितनी मुश्किल चढ़ाई होती है देखकर ही लग रहा है। मुख्य पहाड़ी पार कर हम दाई ओर मुड़े। अब हमारे सामने इससे भी कठिन कार्य था। अब इससे भी मुश्किल क्या आ गया? पहले तो बर्फ़ का टुकड़ा मुश्किल था, अब इससे भी कठिन कार्य था स्लेट की चट्टानों की एक विशाल दीवार को पार करना। स्लेट आपने देखे, काले से रंग के होते हैं स्लेट। ठीक है, स्लेट की चट्टानें थी वहाँ पर, और विशाल दीवार थी, चट्टानों की विशाल दीवार, यानी बहुत बड़ी दीवार। अब इस पर हाथ पैर टिकाने की कोई जगह ही नहीं थी। अब कैसे पकड़ के चढ़ेंगे? चढ़ने के लिए कुछ हाथ या पैर, कुछ ग्रिप तो बननी चाहिए। एक बार फिसलने का अर्थ होता 5,000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना। लो, कहाँ से गिरेंगे और पहुँचेंगे कहाँ? ठीक है, इतने ऊपर से वहाँ गिर के तिब्बत में पहुँचेंगे सीधे? 5,000 मीटर नीचे तिब्बत में जा गिरना अगर एक बार फिसल गए तो। इन चट्टानों पर हम थोड़े थोड़े चढ़ते रहे, क्योंकि अब कैसे चढ़ेंगे? धीरे 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 वो चढ़ते रहे। आखिरकार ये काली चट्टानें खत्म हुई और हमने येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया। अच्छा, इसको आप अंडरलाइन करेंगे, ये येलो बैंड इसका नाम क्यों रखा गया है ना? काली चट्टानें खत्म होने पर वो कहाँ पहुँचे थे? येलो बैंड क्षेत्र में प्रवेश किया था, और इसकी चट्टानों में पीली पीली धारियाँ हैं। ठीक है, पीली पीली धारियाँ, येलो येलो धारियाँ हैं इसके ऊपर, इसलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसे येलो बैंड कहते हैं। अच्छा, इन पर चढ़ना ये कह रहा है कि अपेक्षाकृत, उसकी तुलना में जो अभी तक हम चढ़ रहे थे, इस पर चढ़ना अपेक्षाकृत सरल था।
और इन्हें पार कर हम दक्षिणी शिखर के तल तक पहुँचे, जहाँ से बिल्कुल सीधी चढ़ाई शुरू हो जाती थी। अब थी बिल्कुल सीधी चढ़ाई, ठीक है। अब देखिए लेखक क्या कहता है कि मेरे सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, क्योंकि अब रात दिन ऑक्सीजन चाहिए था और यहाँ तो लेखक के सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से लीक होना शुरू होगी, ठीक है। इसलिए मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। अब इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि अब क्वेश्चन बन जाता है ना इसमें से कि लेखक को सांस लेने में कठिनाई क्यों होने लगी, क्योंकि लेखक के सिलेंडर की ऑक्सीजन कहीं से निकल रही थी, इसलिए सांस लेने में कठिनाई होने लगी। यह जानकर मैं बहुत चिंतित हुआ, है ना। लेखक क्यों चिंतित हुआ? मैंने देखा कि सिलेंडर से मुंह तक ऑक्सीजन ले जाने वाली नली में छेद हो गया है। कहाँ से लीक हो रही थी? जो ये पाइप जो जाती है सिलेंडर से, अब मुंह में लगा होता है ना कैसे करके मुखौटा, वहाँ पे पाइप जो जा रही है उसके अंदर कहीं पर छेद हो गया था। अब यह छेद बूटों की कील से हुआ था। आसपास कहीं बैठने की कोई जगह भी नहीं थी, इसलिए फूदौरजी ने बर्फ काट कर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया और यहाँ बैठकर मैंने टेप की सहायता से यह छेद बंद किया। अब हम खुश होकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि मुझे लगा कि कोई आदमी हमारी ओर हाथ हिलाता हुआ और हांफता हुआ बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है। और ये कौन था आदमी? वह रावत था, ठीक है। उससे मालूम हुआ कि बहुगुणा बीमार हो जाने से रुक गया है, उसे अकेले ही आगे आना पड़ा है। अब रावत और बहुगुणा एक रस्से में थे, फूदौरजी और लेखक एक रस्से में। फूदौरजी और लेखक आगे थे, अब बहुगुणा और रावत पीछे पीछे चल रहे थे। अब रास्ते में क्या हुआ? बहुगुणा बीमार पड़ गया, एक पार्टनर उसका बीमार हो गया। एक रस्से में दो बंध कर ही चढ़ाई करते हैं। अब बहुगुणा जी बीमार हो गए तो अब रावत धीरे धीरे ऐसे, क्योंकि अब भागेंगे भी तो कितना भागा जाता है, वहाँ तो चला ही नहीं जाता चढ़ाई पे, हाँफता हुआ हाथ हिलाता हुआ आ रहा था। तो जब देखा तो वो कौन था? रावत था। अब लेखक ऐसा कह रहे हैं। और रावत को फिर अब क्या किया? रावत को हमने अपनी रस्सी के बीच में जगह दे दी और जो रस्सा केवल दो व्यक्तियों के लिए था उसी पर हम तीनों दक्षिण शिखर पर चढ़ने लगे। देखिए तीन कभी भी एवरेस्ट पर चढ़ाई नहीं की, पर देखिए हिंदुस्तान के लोग हैं, है ना, किस तरह से जुगाड़ कर लेते हैं। तो जहाँ दो बंधने थे जिस रस्से में, अब तीन बंध गए। क्यों? अब उसका साथ कौन देगा? अकेले तो नहीं चढ़ाई चढ़ी जाती ना, सहायता कौन करेगा? एक दूसरे को कौन, अगर कोई गिरने लगे तो रस्से में बंधे होते हैं, बच जाते हैं। तो अब एक रस्से में कितने बंध गए? अब ये तीन, यहाँ देख रहे हैं तीन बंधे हुए हैं। अब ये इसी तरह बंधे हुए इन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की, ठीक है। आज इतना ही, अब आप यहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ तक आज पढ़ा है, इसमें से जितने प्रश्न निर्माण हो सकते हैं वो आप क्वेश्चंस बनाएंगे, आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स जो है अपनी रफ नोट में लिखेंगे, ताकि मैं प्रश्न करूँ कल तो आपको वो उत्तर आए, ठीक है। अब आदत बन जानी चाहिए कि जितना हम गद्य पढ़ते हैं उसमें से जितने प्रश्न बनते हैं वो बनाइए। तो आज के लिए इतना ही, बाय एंड थैंक यू।